ओके क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ. सो अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स. ओके सो ही वॉन्ट्स टू प्लांट देम इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन्स द सेम. ओके सो वट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स दैट नीड्स मोर फॉर दिस पर्पज. सी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब क्या है? ठीक है, बच्चे कह रहे हैं 24 इज द प्लांट. सी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, तो ये तो रोज होती हैं ऐसे, और ये लंबे में जो मैं खींच रहा हूँ ये कॉलम्स हैं. ठीक है, ओके अच्छा, इफ़ यू हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, तो यहाँ पर कॉलम्स कितने हैं? ओके अगर आप देखेंगे यहाँ पर कॉलम्स कितने हैं, एक कॉलम ये है लंबा सा, मेरा फोर कॉलम्स ऐसे. ठीक है, इसको मैं C1 भी लिख सकता हूँ, C1, C2, C3, C4. हाउ मेनी रोज आर देयर, हाउ मेनी रोज आर देयर, देर आर फोर रोज. दिस इज R1, एक रो ये है, ऐसे रो ऐसे काउंट करते हैं, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3, दिस इज रो 4. तो सेम रोज एंड सेम कॉलम्स अगर हमें काउंट करना है इसमें कितने बच्चे बैठ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, तो हम सीधा रोज इंटू कॉलम्स कर सकते हैं. रोज 4 हैं, कॉलम्स 4 हैं, तो कितना जाएगा आंसर 16. ओके सो इसमें भी हमें क्या करना है, वी हैव टू, हमें कितने प्लांट्स और चाहिए कि हमें जो हमारा बेसिकली जो रोज एंड कॉलम्स हैं वो सेम हो. हमारे पास 1000 प्लांट्स हैं लेकिन हमें ज़्यादा प्लांट्स चाहिए, तो कितने और हमें चाहिए होंगे? तो आपको क्योंकि रोज एंड कॉलम्स को सेम करना है, नंबर ऑफ रोज को एक्स ले सकते हो. ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू एक्स. सो इफ यू विल डू एक्स नंबर ऑफ रोज इन टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू, यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स. ओके बट अगर आपके पास टोटल 1000 प्लांट्स है ना, तो आपको सी नाउ, अब आपको क्या करना है, यू नीड सम मोर. ओके अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स. ओके गेटिंग माई पॉइंट? ओके यू डोंट हैव एनी, अब अगर आप से 1000 करोगे, ठीक है, एक्स इंटू एक्स, तो 1000 का स्क्वायर कैसे निकालोगे आप? ठीक है, 1000 का तो स्क्वायर नहीं होता. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब आप इसमें कितना और ऐड करेंगे, अब आपको ये देखना है. सी अब इसमें देर इज अ सिंपल फंडा, यू हैव फोर ऑप्शंस. ठीक है, अब आप 1000 से ज़्यादा प्लांट्स चाहिए, अगर 30 × 30 होता तो ये कितना होता, 30 × 30 होता 900. 1000 प्लांट्स हैं आपके पास तो ऑलरेडी, तो और अगर मैं सीधा 40 × 40 करूँ तो 40 × 40 कितना होता, 1600. तो 40 × 40 तो बहुत ज़्यादा हो जाता. अब इसमें ऑप्शंस देखो आप, यू हैव 32 एंड दैट यू हैव टू फाइंड. ठीक है, तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि एंड यू हैव टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स. तो मिनिमम कितने ऐड करूँगा, तो मिनिमम यू शुड नो दिस, यू शुड नो द वैल्यू ऑफ 1024 का रूट. व्हाट इज द रूट ऑफ 1024? 32. 1024 का रूट कितना होता है, 32. ठीक है, देखो ना लास्ट में 4 भी है. ठीक है, 32, इफ यू डू 32 × 32 यू विल गेट 1024. ठीक है, ओके तो इसका मतलब अब आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए. इसका मतलब आपको रोज़ कितनी चाहिए होंगी, रोज़ चाहिए होंगी आपको 32, और कॉलम्स कितने चाहिए आपको, वो भी 32 चाहिए. और जब अगर आपको दोनों रोज एंड कॉलम्स 32 चाहिए, तो हम 32 × 32 करेंगे, तो आपके पास कम से कम होने चाहिए 1024 प्लांट्स होने चाहिए. ठीक है, बट यू हैव हाउ मेनी प्लांट्स, यू हैव ओनली 1000 प्लांट्स. सो एडिशनल कितने और प्लांट्स चाहिए आपको, एडिशनल यू वॉन्ट हाउ मेनी प्लांट्स? ठीक है, एडिशनल यू वॉन्ट 24 प्लांट्स. ठीक है, एंड विच इज मिनिमम. ओके सो गेटिंग माई पॉइंट? सो वट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, आपसे मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स पूछ रहा है. सो द आंसर इज बी 24. ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है वट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स दैट ही नीड्स मोर फॉर दिस पर्पस. ओके आपने ये नहीं देखना कि 32 का स्क्वायर, ऐसे नहीं देखना आपने. ठीक है, ठीक है, सो 24 इज द राइट आंसर, यू शुड नो दिस. ओके ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक्स इंटू एक्स विल बी इज इक्वल टू 1024. ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1024, एंड एक्स विल बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 1024. सो एक्स विल इज इक्वल टू 32. तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 32 कब होगा, जब आपके पास 1024 प्लांट्स होंगे. सो डोंट गेट कंफ्यूज, आपसे पूछा क्या है यहाँ पर, 32 भी ऑप्शन में, तो बच्चों को लगता है 32 ही आंसर है. 32 आंसर नहीं, आपसे पूछा व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, यू ऑलरेडी हैव 1000 प्लांट्स. सो टू मेक इट 1024 यू नीड 24 मोर प्लांट्स. ठीक है,